अरे यार, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, बल्ब ऑन करना जरा। अरे हाँ, अब हो गया। आप लोग क्या लग रहा है, मैं मजाक कर रहा हूँ? आने वाली टेक्नोलॉजी ऐसी होने वाली है जब आप सिर्फ एक बल्ब ऑन करोगे और आपका नेट चल जाएगा। आज के टाइम पे आप लोग इंटरनेट चलाते होंगे वाईफाई को ऑन करके, लेकिन आने वाले समय में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आ गया है वाईफाई को रिप्लेस करने वाली बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाईफाई, जिसकी फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। एक्चुअली वाईफाई में हम लोग रेडियो वेव्स को यूज करते हैं, और जिससे जो डेटा आप लोग ट्रांसफर करते हो, बेसिकली इंटरनेट का मतलब ही डेटा ट्रांसफर है, वो इतना सिक्योर नहीं होता। लेकिन लाईफाई से, यानी कि लाइट फिडेलिटी से जब आप डेटा ट्रांसफर करोगे, तो वो ज्यादा सिक्योर्ड भी होगा, ज्यादा स्पीड से भी होगा। और इस टेक्नोलॉजी को देने वाले का नाम है हेरोल्ड हस। तो बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन और क्वारंटीन होने की वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आप गलत सोच रहे हो। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की महानतम खोजों में से एक खोज क्वारंटीन के समय में ही हुई थी। ये बात है सन 1665-66 की, जब लंदन में प्लेग फैला हुआ था और सबको क्वारंटीन कर दिया गया था। उस समय पे इसाक न्यूटन अपने घर के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर पर एक सेब आके गिरा था। ये घटना तो आपको याद होगी। अब उसके जस्ट बाद ही उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिखा था। सो गाइज, ऐसा नहीं है कि समय को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, जाओ इसको यूटिलाइज करो, शायद आप भी न्यूटन की तरह कुछ नया डिस्कवर कर लो। ये कहानी है रूकी नाम के एक छोटे से कुत्ते की, जिसने पैदा होते अपनी माँ को खो दिया। अब उसे अपनी माँ के बिना ही जीना था, लेकिन सौभाग्य से उसके मालिक की गाय से उसे माँ का प्यार मिलने लगा। अब उस गाय को अपनी माँ समझने लगा। वो पूरे दिन उसी के साथ खेलता, उसी के साथ खाता, और वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन एक दिन मालिक को पैसों की तंगी के चलते उस गाय को बेचना पड़ा। उसके बाद वो कुत्ता बहुत ज्यादा रोने लगा और उसने खाना भी छोड़ दिया। लेकिन एक दिन वो सूंघता सूंघता उस गाय के पास पहुंच गया। ये देखकर कुत्ते का मालिक हैरान रह गया और उसने उस गाय को वापस लाने की सोची। और जैसे ही गाय को वो वापस लेके आए, वो कुत्ता भागता हुआ अपना प्यार उस गाय को दिखाने लगा। आपको इन बेजुबान जानवरों के इमोशंस को देख के कैसा लगा, एक बार चैट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं, वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।